जब जगत जननी की कृपा से उसके भीतर से ये राग और द्वेष रूपी मधु कैतब उनका वध हो जाता है, तो उस समय उसके समक्ष वास्तविक स्वरूप संसार का प्रकट होता है। एक अद्भुत जिज्ञासा उसके भीतर उत्पन्न होती है। संसार के विभिन्न दृश्यों को देखकर उसके भीतर एक जिज्ञासा जागती है कि आखिर ये सुंदर सृष्टि जो है, जो इतनी सुव्यवस्थित है, आखिर इसने किसने आकार दिया। जैसे एक कवि जब इस दुनिया को देखता है, इसके दृश्यों को देखता है, तो उसे इन दृश्यों में एक सुंदर कविता मिल जाती है। एक पेंटर जब इस सृष्टि के नजारों को देखता है, तो उसे अपनी पेंटिंग दिखती है हर नजारे में। ऐसे ही जब मानव राग और द्वेष से मुक्त होता है, तो सृष्टि के कण कण में जो एक स्पंदन है, जो विलक्षणता है, वो उसके भीतर इस प्रश्न को जागृत करती है कि वास्तव में इस सृष्टि को आकार किसने दिया, इसका अस्तित्व किसने इसको आकार दिया। जरा सोचिए भक्तों, कुछ दृश्यों के बारे में ही सोचते हैं। आपने देखे हैं, कई बार देखे हैं। एक बात बताइए, क्या कभी अपनी खिड़की को खोलकर जब बाहर देखा, तो किसी नन्हे से घोंसले को देखा है आपने? क्या उस घोंसले को देखकर मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि किसने इन पक्षियों को सिखाया छोटे छोटे तिनकों को बटोर कर लाना और फिर उन तिनकों को ऐसे जोड़ देना कि एक सुंदर सा घोंसला बन जाता है। मानव चाहकर भी अपने हाथों से वैसा घोंसला नहीं बना सकता। आखिर किसने उनके भीतर ये समझ भरी कि उन्हें ऐसा घोंसला तैयार करना है? क्या आपने कभी देखा है, पहाड़ों पर कभी गए हो, तो वहां से नन्नी नन्नी जलधाराएं फूटती हैं, और वो नन्नी सी जलधारा जो उस पर्वत से फूटी, वो चलती चली जाती है, दौड़ती चली जाती है, असंख्य वनों से होकर गुजरती है, और देखते ही देखते वो एक बृहद आकार ले लेती है, एक नदी का आकार ले लेती है, और दौड़ते दौड़ते एक दिन जाकर सागर में मिल जाती है। तो इस दृश्य को देखकर आपके मन में कभी प्रश्न नहीं उठा कि उस छोटी सी जलधारा को किसने बताया सागर तक का मार्ग? क्या उसके पास कोई GPS था? क्या उसके पास कोई मैप था? नहीं, उसे किसने बताया कि उसे सागर तक जाना है? उसे किसने उसके जल के अंदर ये ऊर्जा भरी कि वो रास्ते में होते हुए जिन पथरीलों वनों से निकली, जिन पथरीले क्षेत्रों से निकली, वहां पर उसने जीवन का उदय कर दिया, वृक्षों को आकार दे दिया? अवश्य कोई है जो दिख नहीं रहा, लेकिन इस पूरे सृष्टि के तंत्र को चला रहा है। कैसे आकाश में, खुले आकाश में, स्पेस में पृथ्वी गोल गोल घूम रही है सूर्य के इर्द गिर्द, उसके आसपास कई असंख्य प्लैनेट्स घूम रहे हैं। क्या कभी उन्हें देखकर आपके मन में ये जिज्ञासा नहीं उठी कि इन्हें किसने बांधा है? उस चक्र में कहीं कोई धागा लटकता हुआ दिख नहीं रहा जिससे उस गेंद को, पृथ्वी रूपी गेंद को लटकाया गया हो? आखिर कौन है जो सृष्टि के एक एक तंत्र में है? दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, लेकिन सारी सृष्टि को चला रहा है। क्या है इस सृष्टि का रहस्य? किसने दिया इसे आकार? जिसने इसे आकार दिया है, उसका गुण क्या है? उसका स्वरूप क्या है? उसने किस प्रकार से एक एक तंत्र को इतना सुव्यवस्थित कर दिया? ये जिज्ञासा जब हम छोटे थे ना, माँ के साथ घूमने जाते थे, कहीं बाजार गए, तो माँ से प्रश्न करते थे, माँ ये वृक्ष ऊपर की ओर ही क्यों उगते हैं? ये धरती में कैसे टिके रहते हैं? ये पशु चार पांव पे कैसे खड़ा है? ये पृथ्वी गोल गोल कैसे घूमती है? ये प्रश्न हमारे मन में आए थे, लेकिन तब आए जब हम छोटे थे, और हमें लगा कि जब हम अबोध थे तो ये अबोध प्रश्न हमने किए। परंतु आप जानते हैं, अगर उस समय इन प्रश्नों को छोड़ ना दिया होता और इनके उत्तर खोजे होते, तो ना जाने आज हम कहां होते। लेकिन तब तो हमने इन प्रश्नों को छोड़ दिया, बड़े हुए
राग द्वेष में इतने लिप्त हुए कि उन प्रश्नों को ही भूल गए। लेकिन आज ये माँ की कृपा है कि एक बार फिर जगत जननी ने हमें अपनी गोद में, अपने आंचल में जगह दी है और आज एक बार फिर हम बालक बन सकते हैं और फिर इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं जगत जननी से, क्योंकि वो माँ ही आई है अपनी लीलाओं से हमें हमारे इन प्रश्नों के उत्तर देने। क्योंकि ये प्रश्न साधारण नहीं है भक्तों, इन प्रश्नों ने हमारे विज्ञान को आकार दिया है। जानते हैं आप, जिस साइंस की दुहाई आज हम देते हैं, कोई साइंटिस्ट मिल जाए तो उसे बहुत ऊंची पदवी पर स्थित कर देते हैं, क्योंकि हम साइंस को बहुत मानते हैं। आप जानते हैं, पूरे विज्ञान को आकार देने वाले यही प्रश्न है, उन्हें गति देने वाली यही प्रश्न है, विज्ञान यही प्रश्न को लेकर आगे बढ़ रहा है, आखिर इस सृष्टि का सत्य क्या है। जब वो अपने शैशव काल में था तो उसने सोचा कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो पदार्थ है, जो दिख रहा है स्थूल है, बस यही सब कुछ है। परंतु आविष्कार की कड़ियां आगे बढ़ी, बहुत सारे आविष्कार हुए तो डाल्टन जैसे वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि ये सृष्टि जैसे हमें दिख रही है बस उतना ही नहीं है, ये अणुओं से बनी है, इसके भीतर सूक्ष्मता है। उन अणुओं को भी खोल खोल कर देखा गया तो परमाणुओं की खोज हो गई। परमाणुओं से आगे ऊर्जा, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए। लेकिन आज भी विज्ञान इसी प्रश्न पर खोज कर रहा है भक्तों। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इस दिव्य भारत भूमि पर जन्म लिया है, वो भारत भूमि जिस पर ऋषि मनीषियों ने ऐसे अनुसंधान किए, ऐसे शोध किए और अपने शोधों को भारतवर्ष के शास्त्र ग्रंथों में लिख दिया, और उन लिखित ग्रंथों में प्रमाण के साथ इन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। और केवल जिज्ञासा वश नहीं, ये उत्तर जो है मानव के जीवन की रूपरेखा बदल सकते हैं। आज हम भी उस पड़ाव पर अब खड़े हैं जहां पर ये कथा जो श्रवण कर रहे हैं राजा जन्मेजय वेदव्यास जी के माध्यम से, सूत जी सुना रहे हैं इसी कथा को शौनक आदि ऋषियों को, और हम भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो आज राजा जन्मेजय एक प्रश्न कर रहे हैं वेदव्यास जी से, आज हम उस प्रश्न को सुनते हैं और उसके उत्तर स्वरूप जानेंगे कि आज माँ कौन से रहस्य हमारे समक्ष उद्घाटित करना चाहती है, किस प्रकार हमारे जीवन को दिशा दिखा रही है उसे समझेंगे। तो आइए भक्तों श्रवण करते हैं कि आज वेदव्यास जी के समक्ष बैठे राजा जन्मेजय, उन्होंने कौन सा प्रश्न रखा है। भगवन् भवता प्रोक्तं यज्ञमं वाभिधं प्रोक्तं यज्ञमं वा
आज वेद व्यास जी के समक्ष बैठकर राजा जन्मेजय ये प्रश्न कर रहे हैं, हे महाभाग, आपके मुखारविंद मैं पराअम्बा की गाथा श्रवण कर रहा हूँ। मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि ये पराअम्बा आखिर है कौन, और ये संपूर्ण सृष्टि जो हमें दृष्टिगोचर होती है, इस ब्रह्मांड का क्या रहस्य है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं? कई लोग कहते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है और वही इसका पालन करते हैं, वही श्रेष्ठ है। तो कुछ लोगों के मुख से मैंने सुना है कि भगवान शंकर वही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्होंने ही उन्हीं की आज्ञा से इस ब्रह्मांड ने आकार लिया है, परंतु फिर वो पराम्बा कौन है? आप जिनकी महिमा मुझे श्रवण करवा रहे हैं, आखिर वो है कौन? आज मैं ये जानना चाहता हूँ। आज जैसे ही उनकी ये जिज्ञासा ब्रह्मांड के प्रश्न को उन्होंने रखा वेद व्यास जी के समक्ष, तो आज वेद व्यास जी कहने लगे, जन्मेजय, जो प्रश्न तुम कर रहे हो ये तो बहुत कठिन है। नहीं, अवश्य कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो है जिसने इस सृष्टि नुमा तंत्र को आकार दिया है। इसीलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं, जन्मेजय, अगर इस प्रश्न का उत्तर पाना है तो राग द्वेष से मुक्त होकर श्रद्धा के भाव से भरकर ही तुम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न इतना कठिन है कि जब एक बार पूर्व काल में मेरे मन में ये प्रश्न आया था कि आखिर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैं भी इस जिज्ञासा को लेकर के बढ़ गया था और पहुंच गया था नारद मुनि जी के पास। मैंने नारद मुनि जी से जाकर जब यही प्रश्न किया तो नारद मुनि जी मुझे कहने लगे, वेद व्यास जी आज कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने स्वयं खुद प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से। एक बार मेरे मन में भी यही जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी और मैं पहुंच गया था ब्रह्मा जी के पास इस जिज्ञासा को लेकर के। ब्रह्मा जी के समक्ष जब मैंने ये जिज्ञासा रखी तो ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, आज ये कैसा प्रश्न कर रहे हो, इस प्रश्न को लेकर तो मैं, भगवान विष्णु और भगवान शंकर भी बहुत भटके हैं, परंतु चलो आज मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, वो घटना सुनाता हूँ जब स्वयं हमें इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ था। और आज वही दृष्टांत जो ब्रह्मा जी ने जो घटना सुनाई थी नारद मुनि जी को, नारद मुनि जी ने जो सुनाई थी वेद व्यास जी को, आज वही दृष्टांत वेद व्यास जी सुना रहे हैं राजा जन्मेजय को। बात उस समय की है जब संपूर्ण धरा प्रलय सागर में डूबी हुई थी और ब्रह्मा जी बैठे थे कमल के आसन पर, ध्यान कर रहे थे, और उस समय जब वो ध्यान में निमग्न थे, एकाएक काफी लंबे ध्यान के बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले, और जब नेत्र खोले तो सृष्टि के स्वरूप को देखकर, चारों ओर जल ही जल को देखकर उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर में यहाँ जहाँ दूर दूर तक जल ही दिख रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं यहाँ पर उत्पन्न कैसे हुआ? अब इधर उधर खोज रहे हैं लेकिन उन्हें कोई स्थान दिख नहीं रहा, किससे पूछे, किसके समक्ष रखे अपनी जिज्ञासा को, जब बहुत भटकने के बाद भी कोई स्थान नहीं, कोई मिला ही नहीं, कुछ समझ नहीं आया। तो वह एक बार पुनः वापस लौट आए और कमल के आसन पर बैठकर ध्यान करने लगे। समय व्यतीत हुआ और एक दिन एकाएक उनके हृदय में एक स्वर फूटा, उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी और उसमें एक शब्द का उच्चारण था, सृष्टि करो। नेत्र खोले और देखने लगे, किसकी सृष्टि करो, कौन है जिसकी सृष्टि मुझे करनी होगी? अब जैसे ही उन्होंने ये वाणी सुनी, नेत्र खोल के फिर एक बार इधर उधर देखने लगे। अब इस बार उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं जरूर खोज कर रहूंगा कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे उत्पन्न हुआ। अब उन्होंने क्या किया,
उन्होंने कमल के नाल को ही पकड़कर नीचे उतरना प्रारंभ कर लिया। नीचे उतरते जा रहे हैं और उतरते उतरते पहुंच कहां गए, जहां पर एक पीतांबरधारी स्थित थे। शेषनाग की शैया पर पीतांबरधारी स्थित थे और आज उन्हें देखकर जैसे ही उन्होंने बात करने के लिए आगे वो बढ़े, इतने में वो पीतांबरधारी भी अपनी शैया से उठ गए और आज उन्होंने भी यही प्रश्न कर दिया कि आखिर हम यहाँ पर कैसे आ गए। अब दोनों यही वार्ता कर रहे हैं कि आखिर हम यहाँ पर कैसे आ गए, ये सृष्टि ये क्या है, इस सृष्टि का आकार क्या है, हम किस प्रकार से यहाँ उत्पन्न हुए हैं। इतने में ही वहां पर एक और दिव्य पुरुष आ जाते हैं, नंदी पर आरूढ़ है, व्याघ्र चर्म धारण की है और आज वह भी इसी प्रश्न को लेकर भटक रहे हैं कि आखिर वह कौन है और वह किस प्रकार से यहाँ पर उत्पन्न हो गए हैं। अभी तीनों इस जिज्ञासा के बारे में चर्चा ही कर रहे हैं, तभी एकाएक आकाश मंडल पर एक प्रकाश फूट जाता है, एक दिव्य प्रकाश उन्हें दिखने लगता है और तीनों एक तक उस प्रकाश की ओर देख रहे हैं। जैसे ही उन्होंने उस प्रकाश की ओर देखना प्रारंभ किया तो अब देखते ही देखते उस प्रकाश के भीतर से एक दिव्य रूप धारणी देवी प्रकट हो जाती है। आज जैसे ही उन दिव्य रूप धारणी को अपने समक्ष देखा तो तीनों अपने हाथ जोड़ लेते हैं। वह दिव्य रूप धारणी, उन्होंने लाल रंग का श्री विग्रह धारण किया है, चेहरे पर स्मित हास्य है और नेत्रों से करुणा की वर्षा कर रही है। और आज जैसे ही उन्होंने अपने समक्ष उन तीनों को देखा तो कहने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम्हारे मन में जो जिज्ञासाएं हैं, आज मैं तुम्हारी उन सभी जिज्ञासाओं का निवारण करने आई हूँ। तुम इस सृष्टि का रहस्य जानना चाहते हो ना, तो चलो आज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। आज उन्हें देखकर इतने मंत्रमुग्ध हुए कि ना कोई प्रश्न किया और ना ही कुछ पूछा। आज वह तीनों करबद्ध होकर वह दिव्य रूप धारिणी जगत जननी के साथ चलने लगे। आज माँ ने अब वहां पर एक दिव्य विमान को आदेश दिया, वो विमान वहां पर प्रकट हो गया। तीनों को आज्ञा दी कि अब वो इस विमान पर आरूढ़ हो जाएं और आज वह तीनों उस विमान पर आरूढ़ हो गए और अब माँ ने उस विमान को आगे उड़ने की आज्ञा दी। वो विमान उड़ता चला जा रहा है और आज ब्रह्मा विष्णु महेश विविध दृश्यों को देख रहे हैं। कहीं पर वह पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं, कहीं पर वह सागर देख रहे हैं, कहीं पर वह नदियां देख रहे हैं, वन प्रदेशों से अटे हुए स्थान देख रहे हैं। आज उस दिव्य नजारे को देखकर वो तीनों बालकवत हो गए हैं, बाल स्वरूप में आ गए हैं, उचक उचक के उस विमान से विभिन्न दृश्यों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। तभी माँ अपनी लीला का विस्तार करती है और माँ अपने विमान को जाकर एक स्थल पर रोक देती है, तीनों की ओर इशारा करती है, जाओ जाकर देखो इस स्थल पर, इस भवन के भीतर क्या तुम्हें दिखता है। आज ब्रह्मा जी आगे होकर जैसे ही उसे देखकर फिर माँ एक बार उस विमान को आज्ञा देती है और वह विमान आगे बढ़ने लगता है, चलता चला जा रहा है और अब माँ उस विमान को एक विशाल सागर के समक्ष, जो क्षीर सागर था, उसके समक्ष रोक देती है। अब फिर तीनों को कहती है, जाओ देखो इस स्थल पर तुम्हें क्या दिखता है। अब भगवान विष्णु आगे बढ़कर जब उस दृश्य का अवलोकन करते हैं तो आज वो स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उस बृहद क्षीर सागर में उन्हीं की आकृति वाले एक दिव्य पुरुष शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं, उनके चरणों में एक दिव्य रूप धारिणी बैठी है। और आज उस दृश्य को देखकर वह हैरान है कि अरे मैं तो यहाँ पर हूँ, फिर वो कौन है, आखिर मैं कौन हूँ। एक बार फिर यही प्रश्न उनके भीतर भी उठ गया। अब तीनों फिर प्रश्न लेकर पहुंचे माँ के पास, परंतु माँ कोई उत्तर ही नहीं दे रही, अपनी लीला का फिर विस्तार करती हैं और आज विमान को आगे लेकर फिर उसको उड़ने के लिए आदेश दे देती हैं। विमान चलता चला जा रहा है और आज माँ उस विमान को लेकर जाकर एक पर्वत श्रृंखला के समक्ष रोक देती हैं।
अब भगवान शंकर के मन में भी ये प्रश्न उठ गया कि मैं तो यहाँ इस विमान में स्थित हूँ, फिर वहाँ कौन है, आखिर मैं कौन हूँ। अब तीनों ने ये प्रश्न पहले दिया था कि आखिर इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। प्रश्न खड़ा कर दिया कि मैं आखिर हूं कौन। मत तो ये प्रश्न तो बड़ा छोटा सा है, परंतु ये प्रश्न हमारे महापुरुष जब जब इस धरा पर आते हैं तो वो मानव जाति के समक्ष खड़ा करते हैं। कबीर दास जी आए तो उन्होंने यही प्रश्न मानव से किया, तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, के कारण तुम भर मत डोलो, तंतज कहां बसेरा। पांच प्रश्न कर रहे हैं और सबसे पहला प्रश्न क्या है, कौन हो तुम, कौन हो तुम। आदि गुरु शंकराचार्य जी उन्होंने भी मानव जाति से यही प्रश्न किया, कस्त्वम कोहम कुत आयतः, को में जननी को में ताता, कहां से आए हो, कहां जाना है, कौन तुम्हारी जननी है और कौन तुम्हारा जनक है, क्या जानते हो। आज हम सारे विश्व की जानकारी हासिल करना चाहते हैं भक्तों, हम अपने आस पड़ोस के लोगों की, अपने क्षेत्र की जानकारियां हासिल करना चाहते हैं, परंतु कोई हमसे पूछे तो सही कि हम कौन हैं, क्या इस प्रश्न का उत्तर हमें पता है। आज मैं आपसे इस मंच से ये प्रश्न करती हूँ, क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? Who are you? कौन है आप? आप कहेंगे हम जानते हैं आप कौन हैं? आप अपना नाम बता देंगे? जब भी कोई पूछता है Who are you? तो हम क्या कहते हैं? My name is Aditi. My name is Sarojini. हम अपना नाम बता देते हैं ना? परंतु भक्तों जरा विचार करके देखिए, हमें लगता है इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सरल है, हमें आता है, लेकिन एक थोड़ा सा विचार कीजिए कि अगर आपका नाम जो अभी है वो ना होकर कुछ और होता तो क्या आप बदल जाते? बताइए क्या आप बदल जाते? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, हम यही बोल देते हैं। परंतु भक्तों एक बात बताइए, अगर आप जो अभी हैं, अगर आप हाउसवाइफ ना होकर एक वर्किंग लेडी होते, अगर आप इंजीनियर ना होकर एक क्लर्क होते, अगर आप डॉक्टर ना होकर एक बिजनेसमैन होते, तो क्या आप बदल जाते? बताइए, ये तो आपका प्रोफेशन है, परंतु आप कौन हैं? पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूँ? पूछिए। आप कहेंगे अच्छा ठहरिए, हम बताते हैं हम कौन हैं। हम ये जो हमारी देह दिख रही है ना, 5 फुट 6 इंच की, 5 फुट 3 इंच की, ये एक्सक्लूसिव है, ये चेहरा एक्सक्लूसिव है, हम है ये है हमारा स्वरूप, ये देह जो दिख रहे हैं ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा परिचय। परंतु भक्तों एक बार फिर सोच लीजिए, एक बात बताइए, जब आपने जन्म लिया था क्या आप 5 फुट 6 इंच के थे? क्या आप बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे? दिखते थे ऐसे? नहीं दिखते थे ना। जब आप यौवनावस्था में पहुंचे तब आप कुछ और दिखते थे, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो हर साल रूप बदलता जा रहा है, और विज्ञान तो कहता है कि जो देह भी है ना, ये जो सेल्स हैं स्किन के, ये भी पूरे के पूरे बदल जाते हैं एक साल में। तो फिर क्या ये देह हमारा परिचय है? पूछिए अपने आप से, क्या है हमारा परिचय? आप कहेंगे जो हमारी सोच है, विचारधारा है, वो हमारा परिचय है, क्योंकि वो हमें सबसे अलग करती है। हमारे मन, हमारी बुद्धि, ये हमारा परिचय है। परंतु भक्तों ये बुद्धि, जब स्कूल नहीं जाते थे तो बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी, स्कूल गए कॉलेज गए बुद्धि विकसित हो गई, अखबार पढ़ते हैं कोई नई किताब पढ़ लेते हैं बुद्धि फिर बदल जाती है, विकसित हो जाती है। तो जो पल प्रतिपल बदल रहा है वो कैसे हमारा अस्तित्व है? बताइए क्या है आपके पास इस प्रश्न का उत्तर, मैं कौन हूँ? अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का प्रश्न नहीं रहा, ये हमारा भी प्रश्न बन गया है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि मैं कौन हूं।
देखिए हम संसार की सारी इंफॉर्मेशन बटोर रहे हैं परंतु हमें इतना ही नहीं पता कि हम वास्तव में है कौन, क्या होगा हमारे जीवन का, क्या करेंगे हम। सोच करके देखिए बड़ी गंभीर बात है। इसलिए भक्तों माता आई है हमें हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाने। वो हमें बताने आई है, एक बात बताइए, आप सबके पास मोबाइल फोन है? है सबके पास है। अगर मैं आपका मोबाइल फोन ले लूं, अपने पास ले लूं और पूछूं ये मोबाइल फोन किसका है, तो क्या कहेंगे? मेरा मोबाइल फोन है। अगर मैं कहूं आप मोबाइल फोन है, तो ये क्या बात सही होगी? नहीं ना, नहीं सही होगी। ठीक ऐसे ही ये देह आपकी है परंतु आप देह नहीं हो, मोबाइल फोन आपका है परंतु आप मोबाइल फोन नहीं हो, नाम आपका है परंतु आप नाम ही नहीं हो, आपकी ये देह आपकी है परंतु आप देह नहीं हो, आपकी बुद्धि आपकी है, आप कहोगे मेरी बुद्धि, लेकिन जो मेरी कह रहा है वो कौन है, उसे खोजना है हमने। जब हम उसको जान जाएंगे तो हमें जीवन की समझ पड़ेगी, तो हमें समझ आएगा कि जीवन को जीना कैसे है, तो हमें समझ में आएगा ये सृष्टि का रहस्य कैसा है। इसलिए आज माँ ने पहले ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि पहले खुद को जानो, स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ। और आज ये कथा हमें बताएगी कि हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है। इसे गौर से सुनिएगा। अब माँ ने अपनी लीला का विस्तार कर दिया, तीनों को लेकर उस यात्रा पर निकली थी, लेकिन अब माँ ने अपनी लीला का विस्तार किया और स्वयं उस विमान से अंतर्ध्यान हो गई और वह विमान जाकर एक सरोवर के पास रुक गया। तीनों इधर उधर भटक रहे हैं, खोज रहे हैं कि आखिर वो दिव्य रूप धारिणी जो हमारे प्रश्नों के उत्तर देने आई थी वो गई तो गई कहाँ। अब तीनों भटक रहे हैं, तभी एकाएक भगवान विष्णु, उन्हें एक स्मृति हो आती है, वो एक दृश्य को देखते हैं और पुकारते हैं, ब्रह्मा जी महादेव देखिए, देखिए उस स्थल को देखिए, मणि के समान चमक रहा है और मुझे स्मरण हो आया है, मुझे सुधि आ गई है कि वो जो दिव्य रूप धारिणी हमें विमान पर लेकर चल रही थी वो कोई साधारण नहीं थी, वो जगत जननी थी, उन्होंने ही हमें आकार दिया है, हो ना हो वही हमारी माता है, हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे परंतु मुझे स्मरण आ गया है जब प्रलय अवस्था में मैं बेल पत्र पर एक छोटे से बालक के रूप में स्थित होता हूँ, तब वही आती है और मेरा संरक्षण करती है, अवश्य ही उस स्थल पर हमें माँ के दर्शन होंगे। आज वह तीनों अब द्रुत गति से उस स्थान की ओर बढ़ने लगे, तीनों ने हाथ जोड़ लिए और जैसे जैसे उस स्थान की ओर पहुंच रहे हैं मन में प्रेम के भाव, श्रद्धा के भाव प्रगाढ़ हो रहे हैं। आज जैसे ही उस धाम में प्रवेश किया तो मणियों से सुसज्जित दिव्य धाम है और उसमें प्रवेश करके जैसे ही आगे बढ़ने लगे चारों ओर दिव्य रूप धारिणी देवियां हैं और चलते चलते उस स्थल पर पहुंच गए जहां पर विशाल पलंग है रत्नों से जड़ित, उस पर स्वयं आदि शक्ति जगत जननी बैठी है, स्थित है, बहुत ही सुंदर लग रही है, कोई उनके केशों को संवार रहा है, कोई उन्हें अलता लगा रहा है, कोई उन्हें चवल डुला रहा है, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित है। और जैसे ही माँ ने उन तीनों को देखा, आज माँ उन्हें देखकर मुस्कुराती चली जा रही है और अभी वो तीनों कुछ कहते इतने में ही वहां पर वो देवियां जो थी घूम रही थी, वो देवियां अपने हाथ में आरती की थाल लेकर आ जाती है और आज वहां उस मणिद्वीप धाम में जहां माँ अपने पूरे स्वरूप के साथ संपूर्ण शिव विग्रह के साथ स्थित है, वहां पर वो सभी देवियां और ब्रह्मा विष्णु महेश आज माँ की आरती करने लगते हैं। तो भक्तों चलिए हम भी माँ की इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, हम भी चलते हैं उस मणिद्वीप धाम और सम्मिलित होते हैं माँ की उस दिव्य आरती में। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां।
Thank you.
देवियों ने मिली और वो तीनों जैसे ही आज आगे बढ़े माँ के चरण स्पर्श करने के लिए, तो आज माँ ने अपनी लीला का अद्भुत विस्तार किया। आज माँ ने अपने चरण के नाखून में, चरण नख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन ब्रह्मा विष्णु महेश जी को करवा दिए। जल चर, नख चर, थल चर, समस्त दृश्य वो देख रहे हैं, समस्त जीव वो उस चरण नख में देख रहे हैं। मानो आज वो एक दर्पण के समान हो गया है। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, दिव्य लोक, समस्त ब्रह्मांड उसमें दृष्टि गोचर हो रहा है। वो तीनों अपने स्वरूप को भी उसमें देखते हैं और आज इस दिव्य दृश्य को देखकर वो तीनों स्तब्ध रह जाते हैं, अवाक रह जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, नेत्रों में प्रश्न ही प्रश्न है, आखिर ये क्या है? माँ के छोटे से नाखून में संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे समा गया? माँ के उस चरण लग्न में उस दिव्य नजारे को देखकर आज वो अवाक है। भक्तों, ये पहली बार नहीं है कि माँ ने इस लीला को आकार दिया। आप जानते हैं जब त्रेता युग में वही शक्ति प्रभु श्री राम के रूप में आई थी, प्रभु श्री राम नन्हे से बालक थे और एक दिन माँ कौशल्या उन्हें दुग्ध पान कराने के लिए जब उनके कक्ष में गई तो देखा राम तो सो रहे हैं, सोचा थोड़ी देर में आ जाती हूँ। अभी वहां से पलट कर वापस आ ही रही थी कि मार्ग में उनका मंदिर जो था, प्रार्थना कक्ष जो था, वो था स्थित। वहां पर देखती है उनके पुत्र राम उस मंदिर में बैठकर गुणगान कर रहे हैं। जैसे ही वो देखा अपनी आंखें मलने लगी, फिर एक बार दौड़ती हुई वापस कक्ष में गई। कक्ष में जाकर देखा तो राम सो रहे थे। फिर एक बार आई और जब इधर आकर देखा तो राम उस मंदिर में स्थित थे। अब तीसरी बार जब वो फिर कक्ष में गई तो देखा राम वहां शयन कर रहे हैं। आज तो वो स्तब्ध रह गई। वापस लौट कर आई और अपनी आंखें मलकर जब देखा तो वही मंदिर में वहां पर प्रभु श्री राम स्थित थे। और अब प्रभु श्री राम ने अपनी लीला का विस्तार किया। आज माँ कौशल्या जो स्तब्ध है कि मेरा पुत्र आखिर कक्ष में है या यहाँ पर है, ये हो क्या रहा है? इतने में ही उस मंदिर में खड़े हुए प्रभु श्री राम ने उनके पूरे देह से प्रकाश फूटने लगा। आज इतना प्रकाश फूटा और रोम रोम में आज माँ कौशल्या को ब्रह्मांड के दर्शन करवा रहे हैं। आज माँ कौशल्या उस दिव्य नजारे को देखकर स्तब्ध रह गई, अवाक रह गई, आखिर मेरे पुत्र के रोम रोम में ये ब्रह्मांड कैसे प्रकट हो रहा है? ऐसे ही अवाक हुई थी माँ यशोदा। आपने सुनी होगी ये बात, जब एक बार कान्हा माटी खाकर आए घर, माँ यशोदा को बलराम दाऊ ने बता दिया कि ये कान्हा मिट्टी खाता है जब आप पास नहीं होती और फिर मुझे कहता है बता दो मैया को, इसलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि मिट्टी खाकर आता है। माँ यशोदा ने सोचा कई बार समझा चुकी हूँ, मानता ही नहीं है, तो आज कान्हा को लेकर खड़ी हो गई, एक हाथ से उसकी बाजू को पकड़ा और अब उससे कह रही है कान्हा मुख तो खोल, खोल कर दिखा, तूने मिट्टी खाई है ना? कान्हा ने कहा नहीं नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर हिला रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं। माँ यशोदा ने फिर कहा कान्हा मुख खोल कर दिखा। अब कान्हा फिर सर हिला रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं। तीसरी बार जब माँ यशोदा ने कहा कान्हा मुख खोलता है कि नहीं, अब कान्हा ने अपना मुख बड़ा खोल दिया, लेकिन माँ यशोदा को उसमें मिट्टी नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। विभिन्न नक्षत्र, विभिन्न तारा, ग्रह, मंडल, सब कुछ उनके मुख में दिख रहे हैं। और माँ यशोदा जो डांटने आई थी कान्हा को, वो तो भूल गई और अवाक रह गई। ऐसी ही घटना एक बार और घटी थी जब युद्ध भूमि में अर्जुन के समक्ष भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया था। वो पार्थ जो उन्हें अपना सखा समझता था, अपना भ्राता समझता था, एकाएक जो उस विराट स्वरूप के दर्शन किए, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके उस विराट स्वरूप में दृष्टिगोचर हो रहा है, भयावह काल का रूप धारण किया है आज प्रभु ने, और जब उस दृश्य को देखा तो वह अवाक रह गए और अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा प्रभु आप फिर उसी स्वरूप में आ जाइए जिसे मैं बचपन से जानता हूँ, मुझे आपका वही स्वरूप भाता है, इससे तो मुझे भय लग रहा है।
और यही घटना इसका वर्णन आता है सप्तम स्कंद में देवी भागवत के, देवी भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में वेद व्यास जी दर्ज करते हैं कि एक बार आदिशक्ति जगत जननी ने भी अपना विराट स्वरूप प्रकट किया था देवों के समक्ष। कोई और छोर नहीं था उस स्वरूप का, चारों दिशाओं में व्याप्त और ऐसा भयावह स्वरूप जिसे देखकर सारे देव थर थर कांपने लगे थे। और तब उन्होंने प्रार्थना किया था माँ से, हे माँ आप अपने सौम्य स्वरूप में आ जाइए, आप अपने मातृ स्वरूप में आ जाइए, हमें तो वही प्रिय है। भक्तों, अलग अलग समय पर अलग अलग युगों पर एक ही लीला बार बार हो रही है, आखिर क्यों ऐसी लीला को माँ आकार देती है अपने विभिन्न स्वरूपों में, सोच करके देखिए। ये पूरा विज्ञान जिस आधार की खोज में है, जिस रहस्य को खोज रहा है भारत के ये ग्रंथ, हमारे ऋषि मनीषियों ने जिन्होंने इस ग्रंथ को आकार दिया, उन्होंने हर एक ग्रंथ में ब्रह्मांड उत्पत्ति का प्रसंग जरूर जरूर दर्ज किया। जानते हैं क्यों? ताकि मानव जाने कि इस संसार की रचना क्यों की गई है और इस संसार की वास्तविकता क्या है। वो दृश्यों में खो जाता है, लेकिन ऋषि मनीषी बताना चाहते हैं दृश्यों के पीछे की सत्यता उसे जानना अनिवार्य है। इसीलिए इस ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रसंग को उन्होंने दर्ज किया और विज्ञान के उन प्रश्नों का उत्तर युगों पहले लिख दिया। ये अलग बात है कि आज का विज्ञान रुक करके नहीं देखता इन ग्रंथों की ओर, उन्हें इनकी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता। और हम अब भाग्य हैं, भारत वर्ष में रहते हैं, भारत की संतानी हैं, हमें ये विरासत में मिले हैं ग्रंथ, परंतु हम भी इनके रहस्यों से अनभिज्ञ है। कोई आता ही नहीं है हमें बताने, कोई बताता ही नहीं है कि इसमें तो वो थीसिस लिखी है, वो रिसर्चेस लिखी है जो हमारे ऋषि मनीषियों ने की थी अपने अंतर्घट में और उन्हें प्रकट कर दिया हमारे लिए। ये ब्रह्मांड उत्पत्ति का रहस्य हमारे एक एक प्रश्न का उत्तर देगा जिसे हम लेकर चले हैं। माने चरण नख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया ब्रह्मा विष्णु महेश को, क्यों, क्या अर्थ है इसका? तीनों प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे हैं और तब माँ एक उद्घोष करती है, सर्व खलित्वे माहं नान्या दासति सनातनम्। जिस प्रश्न को लेकर हम चले थे कि सृष्टि का आधार क्या है, उस प्रश्न का उत्तर स्वयं माने दिया है और यही अर्धश्लोकी देवी भागवत है। वो आधा श्लोक है, सर्व खलित्वे माहं नान्या दासति सनातनम्, मैं ही इस संपूर्ण जगत की जननी हूँ, मैं ही नदियों की कल कल कर बहती धार में हूँ, मैं ही पर्वत का लेकर लेती आकार हूँ, मैं ही धरती का विस्तार हूँ, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड में आकार लेती हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही विविध स्वरूपों को धारण कर समय समय पर आती हूँ, मैं ही मैं एक मात्र सनातनी हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। और हमारे ऋषि मनीषी जो सुपर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी तथ्य की खोज करने का ली और कहा, शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल और केवल मात्र शक्ति की ही क्रीड़ा हो रही है और कुछ भी नहीं है। आज हमारे वैज्ञानिक भी तो यहां तक पहुंच गए हैं। एक क्रांतिकारी खोज की थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले पूरा विज्ञान जगत, सभी वैज्ञानिक मानते थे कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है ये कुछ अणुओं से बनी है, परमाणुओं से बनी है। लेकिन जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोज की तो उन्होंने एक समीकरण खोज निकाला, E=mc², और उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि जो है, हम जो दिखते हैं, वास्तव में हर एक पदार्थ अपने वास्तविक स्वरूप में एक ऊर्जा का स्पंदन है, एनर्जी है जो इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग आकृतियों में प्रकट होती है। और यही तथ्य हमारे महाविज्ञानिकों ने भी हमारे ग्रंथों में लिख दिया, शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम। हमारे आज के वैज्ञानिक तो ये नहीं समझ पा रहे कि ऊर्जा आखिर स्पंदित कहां से हो रही है।
इस ऊर्जा ने विभिन्न आकार कैसे ले लिए, लेकिन हमारे हर शास्त्र ग्रंथ में दर्ज ये ब्रह्मांड उत्पत्ति का रहस्य स्पष्ट रखता है कि वो ऊर्जा और कोई नहीं, वो ब्रह्म स्वरूपिणी जगत जननी आदि शक्ति है। वही इस संपूर्ण सृष्टि का संचार कर रही है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, आपका इस सृष्टि के बारे में, इस क्रिएशन के बारे में क्या कहना है? तो उस अंग्रेज व्यक्ति को समझाते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आप जिसे क्रिएशन कहते हैं, पहले तो आपका ये ट्रांसलेशन ही गलत है। सृष्टि का अर्थ क्रिएशन नहीं होता, सृष्टि का अर्थ प्रोजेक्शन होता है। वो जगत जननी अपनी इच्छा से इस संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर से प्रोजेक्ट कर देती है, बाहर निकाल देती है। वो सृष्टि की करणी भी है और सृष्टि स्वयं है, और जब वो चाहती है तो वो इस पूरी सृष्टि को अपने भीतर समेट लेती है। और हमारे उपनिषदों में भी इसे एक रूपक के माध्यम से समझाया गया है। जैसे एक मकड़ी अपना जाला कहाँ से निकालती है? अपने भीतर से निकालती है और अपने जाले को अपने भीतर ही समेट लेती है। ठीक ऐसे ही वो जगत जननी, वो इस सृष्टि से पृथक नहीं है, वो अपनी इच्छा से अपने भीतर से ही इस सृष्टि को प्रकट कर देती है और फिर इस सृष्टि को अपने भीतर ही समेट लेती है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, उसमें जो चैतन्यता है, वो आदि शक्ति जगत जननी की है। इसीलिए जब हमारे ऋषि मनीषियों ने इस रहस्य को खोज निकाला, जान लिया, तब उन्होंने श्री सूक्त की रचना की, जिसे हम गाते हैं, हमें कंठस्थ है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुना है ना आपने? तो अब इसी श्री सूक्त के एक श्लोक में उन ऋषि मनीषियों ने इस तथ्य को भी उजागर किया कि वो शक्ति, वो जगत जननी किस प्रकार से इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उन्होंने एक श्लोक लिखा, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत भिदियेत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं उन शक्ति के चरणों में वंदन करता हूँ जो चेतना रूप में कण कण में व्याप्त है। ये देह तब तक जीवित है जब तक इसके भीतर वो चेतन तत्व है, वो चेतना है। जैसे ही वो चेतना निकल जाएगी, हम मृत प्राय होंगे। ये संपूर्ण सृष्टि में वो जगत जननी चेतना के रूप में विस्तृत है। वो चेतन शक्ति इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, और उस चेतन शक्ति को जब जान लेते हैं, तो हमारे महापुरुषों ने कहा, ये वो ज्ञान है जिस ज्ञान के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता। एक बात बताइए, जिसे सोने की समझ हो, जिसने सोने को समझ लिया, उसे कंगन, उसे पायल, उसे हार, इन सब में कोई अंतर नहीं दिखेगा। जानना क्या है? सोने को जानना है। इस सृष्टि की पृथकता में भी जिसने उस एक जगदम्बा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया, उसे सारी पृथकता में वो एकता दिखाई देगी, दर्शन होंगे उसके। यही कारण था कि हमारे महापुरुषों ने जब उस जगत जननी की महिमा गाई, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने राम कृष्ण इनकी अलग अलग महिमा नहीं गाई, उन्होंने ये कहा, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में है तू ही तू। आइए भक्तों, आज हमने इस रहस्य को सुना है, अब ये भी सुनते हैं कि वो महापुरुष जब जगत जननी की महिमा गाते हैं तो कैसे गाते हैं। राम कृष्ण तू ही ब्रज रानी
नसीबों का